अब से कुछ ही घंटों में इंडिया अंडर 19 की टीम न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। शिवम मावी एक वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत ही सुर्खियां बटोरी हैं अपनी परफॉर्मेंस से। हम आज उनकी क्रिकेट अकेडमी में मौजूद हैं, साथ हैं उनके कोच फूलचंद शर्मा जी जो 11 साल से शिवम को ट्रेन कर रहे हैं। सर पहले तो आप बताइए, कितना इम्प्रेस्ड हैं आप इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस से और फाइनल में क्या लगता है? देखिए, जो अभी तक इंडिया की परफॉर्मेंस रही है वो तो आप सभी को पता है कि वन साइडेड मैच जीते हैं सारे उन्होंने, और मुझे लगता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया भी उनको फाइट दे पाए और डेफिनेटली हम चैंपियन होंगे। सबसे इम्प्रेसिव या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगी शिवम में, उनकी लगन, मेहनत, एक चीज़ जो आपको मतलब बाकी जो खिलाड़ी हैं उनसे स्टैंड आउट करती है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या थी कि बहुत से बच्चे क्या होता है, इंजरी वगैरह हो जाती है तो घर में बैठ जाते हैं या अपना कि घर में टीवी देखने लगे, मूवी वूवी देखने चले गए, मॉल शॉल घूमने चले गए। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था, अगर उसको इंजरी भी होती थी तो वो अपने एकेडमी टाइम से 3 बजे आता था और पूरा टाइम अपना एक्सपेंड करता था एकेडमी के अंदर और एकेडमी खत्म होने के बाद ही घर जाता था। तो और बच्चों से थोड़ा हटके था और आज हटके था और उसने क्रिकेट को बहुत ज़्यादा क्या नाम इम्पोर्टेंस दी, तो आज देखिए कि वो इंडिया के रोल मॉडल उनके डेल स्टेन है और उसी वाले आक्रामकता से वो गेंदबाजी करते हुए उनको बाउंड्रीज के लिए हिट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका कहना कि जब मैं बॉलिंग करता हूँ और मुझे सामने वाले बैट्समैन की नज़र में खौफ दिखता है उससे मुझे खुशी मिलती है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हाइट और जो पर्सनैलिटी जो डेल स्टेन की है सेम मावी की भी हुई है, वो ज़्यादा टॉल नहीं है, डेल स्टेन की तरह ही है और डेल स्टेन थोड़े एग्रेसिव है लेकिन वो थोड़ा शांत स्वभाव का है, लेकिन जब बॉल डालता है और उसको अगर बाउंड्री अगर लगती है तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो शुरू से उसका रहा कि हाँ मैं एक बैट्समैन को डरा के रखूँ, पीछे रखूँ। शिवम की एक खास बात और ये भी है, ग्राउंड में ज़्यादा बोलते नहीं है लेकिन बॉल से वो बहुत कुछ बोल जाते हैं। एग्रेशन उनकी बॉलिंग में वो दिखता भी है और जिस तरीके से बात करी है उनकी पेस की, जो एक सबसे इस अंडर 19 टूर्नामेंट हमने देखा इंडियन बॉलर्स, चाहे वो कमलेश नागरकोटे हो, शिवम हो, शिवम का माइंडसेट ये है कि उनको तेज ही गेंदबाजी करनी है। हमने काफ़ी गेंदबाज देखे हैं भारत की तरफ से, उन्होंने शुरुआत तो की 140-145 लेकिन वक्त के साथ वो स्पीड गिरकर कहीं ना कहीं फिर 125-130, लेकिन शिवम का एटीट्यूड जैसे आप बता रहे हैं कि उनको फास्ट ही करना, एक इंजरी उन्हें हुई थी नी इंजरी, उसके बाद उन्होंने बोला मेरे को स्पीड पर फोकस करना है। देखिए, फास्ट तो बहुत सारे बॉलर डालते हैं लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या कि वो फास्ट के साथ में उसका स्विंग भी बहुत अच्छा है और वो पुराना बॉल भी बहुत अच्छा डालता है, उसका रिवर्स भी बहुत अच्छा होता है, फिल्टर बहुत अच्छा है, तो बैटिंग बहुत अच्छी करता है। और मुझे लगता नहीं कि इंडियन टीम में जितने भी फास्ट बॉलर हैं आज की डेट में नागरकोटी और शिवम मावी से अच्छा कोई ऑलराउंडर और उनसे अच्छा फील्डर मुझे लगता नहीं कोई और। हमारे व्यूवर्स के लिए हम एक बात बता दें, शिवम ने जब स्टार्ट किया था वो एज अ बैट्समैन स्टार्ट किया था, हाँ, लेकिन सर की वजह से वो फास्ट बॉलर कन्वर्ट हुए और जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ हुई इंडिया के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए। तो सर उस स्टोरी के बारे में कुछ बताइए क्योंकि ये शायद सबको पता नहीं है। देखिए, पहले जब स्टार्टिंग में आया था तो बैटिंग करता था लेकिन धीरे धीरे उसने बॉल नेट पे बॉल डालना स्टार्ट करा, तो जैसे एक पार्ट टाइम बॉलर होते हैं कि भाई चलो नेट हो गया है, बैटिंग के बाद तो थोड़ा बॉलिंग डाल लें, लेकिन जो उसका रनअप वगैरह था और जो उसकी एग्रेसिव बना था बॉल डालने का वो कुछ अच्छा लगा मुझे। तो धीरे 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 उसने जब बॉल डालना चालू करा तो बैटिंग से अच्छी बॉलिंग डालने लगे, तो उसी वजह से फिर वो 2 साल के अंदर ही, जब 12 साल का मेरे पास आया तो 8 साल का था, तो 1.5-2 साल बाद ही उसने अच्छा बॉल डाला और अंडर 14 के लिए सेलेक्ट हुआ दिल्ली से। और एक मैं आपको एक वाक्य और बताना चाहूँगा उसके बारे में कि जो अंडर 14 खेल के आए तो हम यहाँ से नेपाल गए थे, तो नेपाल की टीम ने उस बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करा था, तो उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया था वर्ल्ड कप टू जर्मनी, तो उस दिन नेपाल टीम का नेपाल में स्वागत समारोह था, उसी दिन नेपाल से हमारा मैच था और उसमें हमने नेपाल को हराया और शिवम मावी ने उसमें 4 विकेट लिए और उस मैच में एज अ चीफ गेस्ट वीवीएस लक्ष्मण थे जिन्होंने वहाँ देखा। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में सौरभ गांगुली कमेंट्री बॉक्स में थे, उन्होंने कहा विराट कोहली बीसीसीआई इन लड़कों पर नज़र रखे, कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी ये भारत के लिए अच्छे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। देखिए, वो इतने बड़े प्लेयर हैं, लक्ष्मण भी, गांगुली भी, द्रविड़ तो खैर अपने आप में एक लीजेंड है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ देखा ही होगा इन बच्चों में जो इतनी तारीफ करी है और उन बच्चों ने उपयोग भी करा। राहुल द्रविड़ की आपने बात करी एज अ कोच, आप खुद भी कोच हैं, आपको उनकी स्टैंड आउट क्वालिटी क्या लगती है? इंडियन अंडर 19 प्लेयर्स काफ़ी ईज, मतलब ऐसा लगता है दोस्त हैं राहुल द्रविड़, हमने उनके बर्थडे सेलिब्रेशंस की काफ़ी इमेजेस और वो सब देखे थे वीडियोस, उनमें ऐसा लग रहा था कि द्रविड़ ऐसा लग रहा था उनके साथ घुल मिल चुके हैं काफ़ी बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए, कोई भी कोच हो, द्रविड़ नहीं, मैं हर कोच के लिए कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ में थोड़ा फ्रीडम में रहें और बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दें और एक दायरा भी होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल फ्रीडम दे दें, लेकिन राहुल द्रविड़ जो बच्चों को पूरी एकदम पूरी आज़ादी देते हैं खेलने के लिए और उनका एक ही मोटिव होता है कि परफॉर्मेंस करो, तो बच्चे उनकी आशाओं पे खरे उतर रहे हैं और जो उन्होंने फ्रीडम दिया है, जो उन्होंने उनको चांस दिया है, तो उसकी आज आपके साथ के सबके सामने मिसाल है कि इंडिया देखिए फाइनल।
ऑस्ट्रेलिया क्या कुछ चुनौती दे पाएगा फाइनल में? फर्स्ट मैच हमने उन्हें 100 रन के मार्जिन से हराया था 328 बैटिंग करते हुए, शिवम ने 3 विकेट झटके थे उस मैच में। चुनौती लगता है इस बार ये थोड़ी बेहतर दे पाएगा ऑस्ट्रेलिया? देखिए क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते, क्रिकेट हर दिन अलग अलग गेम होता है, और लेकिन अगर ऑल ओवर टूर्नामेंट देखा जाए तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बहुत बेटर है, और सब यही अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान क्या लग रहा है, हम सब खुद सोच रहे हैं कि इंडिया डेफिनेट वर्ल्ड कप जीतेगी, लेकिन दिन वाली बात भी होती है क्रिकेट में, क्रिकेट जो अनिश्चितता वो गेम है, और उसमें कुछ कह नहीं सकते कि भाई किस दिन क्या हो जाए। तो हल्के में ना लें और पूरा फोकस वर्ल्ड कप के फाइनल पे रखें बच्चे सारे, और अगर अच्छा करेंगे तो डेफिनेट कि इंडिया विन होगा। अब थोड़ा बहुत प्रेशर आप पे भी रहेगा क्योंकि 145 शिवम ने ऑलरेडी हिट कर दिया है, मतलब 145 का बैरियर क्रॉस कर दिया है। अब शिवम इस स्पीड को मेंटेन कर सकें और इसी कंसिस्टेंसी से टॉप लेवल क्रिकेट में गेंदबाजी करते रहें, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन 45 से स्टार्ट किया, कुछ इंजरीज हुई, वक्त हुआ सेटल हुए इंडियन क्रिकेट टीम में, लेकिन वो 35 30 कहीं कहीं ऐसे भी जो 25 28 तक रहेगी, आप पे भी थोड़ा प्रेशर रहेगा। नहीं वो बात अभी बिल्कुल सही है, हम कोशिश करेंगे उसको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी देने की, उसको हर चीज़ के बारे में उसको अवगत कराते रहेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उसका जो मैच्योरिटी लेवल है बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है 3-4 इंडिया प्लेयर जो फास्ट बॉलर रहे हैं, जैसे अनुरीत सिंह है, परविंदर रवाना है, सुदीप त्यागी है, उन तीनों के साथ में उसने छोटेपन से और आज तक ये बड़ा हुआ है, तो उसने बहुत कुछ सीखा है, उनकी इंजरियाँ भी देखी हैं, उनको ऊपर चढ़ते हुए भी देखा है, नीचे ढलते हुए भी देखा है, तो वो पूरा परिपक्व है कि आने वाले टाइम में वो अपने आप को बचा के भी रखेगा इंजरी वगैरह से भी, और जो अपना उसकी जो स्पीड है उसको भी मेंटेन रखेगा। आपकी बात शिवम की फैमिली से भी होती रहती है, उनकी फैमिली के बारे में बताइए, यहीं वो पास में रहते हैं, किस तरीके से कुछ इंटरेक्शन होते हैं, अभी वर्ल्ड कप के दौरान कुछ बातचीत हुई है फैमिली से शिवम की आपसे? देखिए फैमिली से तो मैं कहूँगा मैं आज तक से कभी घर नहीं गया, उसके फादर भी मेरी एकेडमी में शायद 12 साल में शायद कल मेरे पास आए हैं, वो शायद 3री या 4थी दफा, आज तक भी कभी नहीं आए वो, और वो तो सिर्फ यही कहते हैं कि नहीं सर बच्चा मैंने आपको दे रखा है, जब वो छोटा सा आए थे मेरे पास 8 साल का था, तो उन्होंने बच्चे का हाथ लेके मेरे हाथ में दिया, कह रहे मैं आपको बच्चा दे के जा रहा हूँ, उसके बाद में उन्होंने कभी एक दो बार आए मुझके से। वो भरोसे पर आप बिल्कुल खरे भी उतरे, क्या शानदार शिवम ने परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर बात करें शिवम की जर्नी की, कुछ 8 साल से 19 साल का होते हैं आपकी नज़रों के सामने ट्रेनिंग करते हुए आगे बढ़े, इन थ्रू आउट इन 11 सालों में अगर आप कुछ उनकी जर्नी को हाईलाइट कर सकें, किस तरीके से क्रिकेट स्टार्ट हुआ, एक एक स्टेप बाई स्टेप जो आगे बढ़े, हमारे व्यूअर्स को शायद उतना नहीं पता होगा, उन्होंने जो अभी मेन अंडर 19 की परफॉर्मेंसेज देखी हों, या जो हमने यूथ ODIs में इंग्लैंड या जो रिसेंटली बात हुई है, कुछ अगर आप ऐसी चीज़ें शेयर कर सकें जो शिवम के बारे में शायद अभी लोग नहीं जानते हों। देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो अंडर 19 खेल रहा था तो उस सीज़न में उसको सिर्फ एक मैच खेलने के लिए मिला, और सबको ये बात चकित करेगी कि एक मैच खेलने के बाद में बंदा वर्ल्ड कप की टीम में और इंडियन टीम में आ गया, ये कैसे हुआ? ये लाली में मैच था और उसको लाली में खिलाया गया, तो उसने 5 विकेट लिए उस मैच में और 2 बड़े अच्छे कैच भी पकड़े थे, तो वहाँ अमित शर्मा आए ONGC वाले, वो सिलेक्टर थे, वो बैठे हुए थे, और WB रमन थे, और अपना वेंकटेश प्रसाद थे, तो वेंकटेश प्रसाद ने हमको अंडर 19 में देखा था, क्योंकि वो जब यूपी के अंडर रणजी ट्रॉफी के कोच थे, तो जब अंडर 19 में उसने 29 विकेट लिए थे, तो उन्होंने उसको नेट पर भी बॉल डालते हुए देखा, फिर यहाँ हेडन कैंप लगा था ग्रेटर नोएडा के अंदर, उसमें भी उसने अच्छा बॉल डाला, तो उसको उसकी बॉलिंग का और उसको देखते हुए और उसकी फील्डिंग वगैरह देखते हुए, तो सेलेक्टरों ने ये सोचा चलो इसको एक बार कैंप पर डालते, और उसको वहाँ कैंप में डाला, कैंप में वहाँ राहुल द्रविड़ की नज़र पड़ी, उन्होंने उसको एक प्रैक्टिस मैच खिलाया इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें उसने 10 ओवर 29 रन देकर 3 विकेट लिए, और उसके बाद में उसने आज तक कभी पीछे मुड़ी नहीं। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले शिवम के लिए कोई एडवाइस, कोई मैसेज आप देना चाहते हो हमारे मीडियम से? देखिए मैं तो उससे हमेशा एक ही बोलते चीज कहता हूँ कि अपना रेस्ट करो, अच्छा खाओ और अपनी बॉलिंग में फोकस करो। और टाइटल हमारा ट्रॉफी घर आ रही है तो डेफिनेटली मैं क्या पूरी इंडिया बोलती है कि भाई ट्रॉफी हमारे घर में आएगी। इंडियन टीम के लिए कोई मैसेज और शिवम के लिए? एक मैसेज तो क्लियर है भाई, वर्ल्ड कप ट्रॉफी घर वापस लेके आना, उसके अलावा कोई मैसेज की अपना बेस्ट दिख जो आपको लग रहा हो आप? देखिए मुझे तो लगता है कि वो एक अच्छा स्पेल डाले और मैन ऑफ द मैच बने फाइनल। तो ये थे हमारे साथ शिवम के कोच, उन्होंने कभी उतना ही क्रेडिट उनको जाना चाहिए जितना कि शायद हम उस इंडियन टीम को दे रहे हैं, राहुल द्रविड़ को दे रहे हैं, इनके अंडर वो 8 साल की एज में आए थे, अब 19 की एज में अंडर 19 खेल रहे हैं, उम्मीद करेंगे इंडिया लेवल पे भी वो खेलें, IPL में एक सक्सेस स्टोरी साबित हो, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वो 3 तारीख को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताने में अहम रोल निभाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।